एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है। ये कल्पवास आज पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। एक महीने तक चलने वाले कल्पवास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नियम व संयम के साथ अपना जीवन बिताएंगे। वो यहाँ संगम की रेती पर लगाए गए तंबुओं में रहेंगे, रोजाना 3 बार स्नान करेंगे, इसके साथ ही साथ जमीन पर सोएंगे, सिर्फ 1 वक्त भोजन करेंगे और पूरा दिन जो है भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, गंगा मैया की आराधना कहेंगे, साधु संतों के पंडालों में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। और कल्पवास के बारे में बता दें आपको कि कल्पवास पूरी दुनिया में सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, संगम की रेती पर लगे माघ मेले में ही श्रद्धालु आकर कल्पवास करते हैं। इस बार भी 2 से 2.5 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के कल्पवास करने की उम्मीद है। आज कल्पवास के पहले दिन पौष पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाए हैं और गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने अपने कल्पवास के संकल्प को लिया है और 12 सालों तक कल्पवास करने के बाद वो कल्पवास का जो संकल्प है वो पूरा होता है। हालांकि तमाम श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि जो 40 साल 50 सालों तक कल्पवास करते हैं, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, इसके साथ साथ मोक्ष की कामना की जाती है। तो प्रयागराज में आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया जा रहा है, हर शिविरों में कोरोना की जाँच हो रही है। कई श्रद्धालु संक्रमित मिले हैं लेकिन उसके बावजूद कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उन पर कोरोना का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो पहले की तरह निडर होकर गंगा मैया की आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं और पूरे नियम व संयम का पालन करते हुए कल्पवास को की रस्म को अदा कर रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है। ये कल्पवास 1 महीने तक चलेगा। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं आज से कल्पवास की शुरुआत करने के लिए। कल्पवास का ये संकल्प आज पौष पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगाने के साथ शुरू हुआ है। हमारे साथ तमाम कल्पवासी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कब से कल्पवास कर रहे हैं, क्या संकल्प उनका है और यहाँ पर उनको आने पर किस तरह की अनुभूति होती है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं और कितने सालों से कल्पवास कर रहे हैं और क्या कुछ मिलता है यहाँ? ऐसा है, मैं डॉक्टर गोविंदराम प्यासी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर उत्तर प्रदेश सरकार, रहने वाला मैं अमानगंज जिला पन्ना का हूँ और विगत 3 वर्षों से कल्पवास में हूँ। कल्पवास लोग इसलिए करते हैं और मांग में स्नान करते हैं कि मानस में लिखा है कि मांग मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आहे सब कोई। ये इसका इतना बड़ा महत्व है कि ये तीर्थराज प्रयाग माना गया है। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि माघ महीने में जो भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ आकर यहाँ पर वास करने लगते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आप बताइए कि आप क्या संकल्प ले रहे हैं कल्पवास के मौके पर और किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? मैं रिटायर्ड क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर ओपी मिश्रा भोपाल से आया हूँ और आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए, हम अपने अंतरात्मा के विकास के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए शीत उष्ण भूख प्यास इस सब को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए कल्पवास करते हैं और निरंतर लगातार में 10-8-9 साल से आ रहा हूँ। बिल्कुल, तमाम श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो नियम और संयम के साथ यहाँ पर कल्पवास करते हैं, जीवन बिताते हैं। आप बताइए कि पूरा 1 महीना यहाँ कैसे बीतेगा भक्ति में लीन हो करके? भक्ति सुबह गंगा स्नान, सरस्वती स्नान, ये सब करने के बाद फिर वहाँ 1 टाइम भोजन लेते हैं, पूजा पाठ अपना, ये सब नियम से रहते हैं
पास। और पूरा एक महीना भक्ति में लीन रहेगा, आप बताइए कि कैसे पूरा एक बार क्या कामना करेंगे गंगा मैया से, एक महीने का जब संकल्प पूरा होगा तब? बस जो है अपनी संतुष्टि के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए, संतुष्टि के लिए आते हैं, अपनी आस्था की संतुष्टि के लिए यहाँ पर लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं। तो ये तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम कल्पवासी हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई देश के दूसरे हिस्सों से आया है, और इसी तरह से लाखों की संख्या में, तकरीबन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु इस बार अलग अलग कैंपों में रहकर कल्पवास करेंगे, नियम और संयम के साथ जीवन बिताएंगे, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, और साथ ही साथ 14 साल 12 सालों के कल्पवास को करने के बाद मोक्ष की कामना भी करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।